पावर्ड बाय कोडिया लॉक्स एंड हार्डवेयर। मजबूती और सुरक्षा चाहिए, कोडिया लॉक लगाइए। को पावर्ड बाय शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स डॉट इन, DRS ग्रुप 9360014001। प्रायोजक ASYXP कमर्शियल एंड रिटेल स्पेसेस एट यमुना एक्सप्रेस वे। नमस्कार, स्वागत है आपका जी भारत पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने एक बेहद ही खास सीरीज शुरू की है। 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के बाद आपको सेना के शौर्य को समर्पित इस सीरीज में अलग अलग रेजिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र को समर्पित अलग अलग सेना की रेजिमेंट्स कब बनी और कैसे बनी, इसके साथ ही क्यों बनी, इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। रेजिमेंट की वीर गाथा से हम आपका परिचय करवा रहे हैं और आज की इस स्पेशल सीरीज में देखिए ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की वीरता की कहानी। देखिए, ग्रेनेडियर्स ने हर जगह अपना परचम हमेशा ऊंचा रखा है। साहस, लंबे चौड़े वीर निर्भीक लोग, सम्मान, बहुत रिच हिस्ट्री है, प्राइड फील करते हैं जब हम स्वर्ग में मारते हैं। जो सुप्रीम सैक्रिफाइस है वो हर चीज में आता है। जज्बा होना चाहिए देशभक्ति का, और ये देशभक्ति का जज्बा आपने तभी कायम रहेगा अगर आप अपनी रेजिमेंट की इज्जत, अपने रेजिमेंट का झंडा सदा ऊपर रखने और लहराने के लिए आगे कार्रवाई करते रहेंगे। कौशल, ग्रेनेडियर्स ने बहादुरी की मिसाल कायम की है। बहादुरी, जो यंग ऑफिसर रेजिमेंट में जाते हैं वो अपने रेजिमेंट पर भरोसा रखे, और जितना वो मिलजुल कर रहेंगे और जितना वो रेजिमेंट का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे उतनी ही उनकी तरक्की होगी। वैलर और सेक्रीफाइस और सर्वधर्म संभाव, इन सब से मिलकर बनती है ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। ये भारतीय सेना की बेहद खास रेजिमेंट है। इसका नाम किसी जाति, इलाके या धर्म के आधार पर नहीं, एक हथियार के नाम पर रखा गया है। इस रेजिमेंट को अब तक 3 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। 1300 साल पुरानी एक सेना भी इस रेजिमेंट का हिस्सा है। ग्रेनेडियर्स की शुरुआत बहुत दिलचस्प और जोशीली है। 16वीं शताब्दी में जहां तोपें नहीं पहुंच पाती थीं, वहां दुश्मन पर गोलाबारी करने की जरूरत महसूस की गई। तलाश की गई सबसे साहसी, सबसे कुशल और सबसे लंबे तगड़े सैनिकों की, ताकि वो भारी गोले में आग लगाकर उसे दुश्मन के ऊपर फेंक सकें। तब हथगोले धातु के बने हुए खोखले गोले होते थे और उन्हें सुलगाने के लिए एक जलती हुई रस्सी सैनिक के पास होती थी। गोलाबारी के बीच हथगोले को सुलगाकर दुश्मन की गोलाबारी के बीच खड़े होकर फेंकना होता था। इन्हीं जांबाजों से बनी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। भारतीय सेना में 1779 में पहली ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट बनाई गई। उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिलती थी और ज्यादा इज्जत। वक्त के साथ ग्रेनेडियर्स ने यह साबित भी कर दिया कि वो वाकई इज्जत करने लायक हैं। उन्नीस सौ पैंसठ में
पाकिस्तान ने पंजाब पर कब्जे के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार मैदान में उतार दिया था। उसकी पहली आर्मर्ड डिवीजन यानी 500 से ज्यादा टैंक पंजाब के संपन्न शहरों और गांवों को तबाह करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। इनमें अमेरिका से लिए गए बिल्कुल नए पैटर्न टैंकों की तादाद सबसे ज्यादा थी, जिन्हें अजेय समझा जाता था। उनके सामने भारतीय टैंक कमजोर पड़ रहे थे। पंजाब खतरे में था। इस बाढ़ को रोकने के लिए असल उत्तर गांव के बाहर आर ग्रेनेडियर बटालियन तैनात थी, जिसमें शामिल थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। बोले भाई, वो थे पन्नू ब्रिज क्यों नहीं उड़ाया? बोले साहब, मैंने फायर किया था, लेकिन ये तो खिलौना, इससे क्या असर होगा? और इत्तेफाक की बात देखिए कि उसी वक्त मेन रोड से 4 आरसीएल गन नीचे उतरती हुई दिखाई दी, और उसने देखा, मेरे से पहले उसने देखा। बोले साहब, देखो साहब, अब हैं ये हुई ना बात, अब इंशाल्लाह देखना। ये 2-3 लग उसने बोले, तो मतलब ये है कि उसको दिल में उसके कुछ जज्बा था, कुछ जोश था। हवलदार अब्दुल हमीद ने अपनी रिकॉइल लेस गन से मोर्चा संभाला और अपनी जान देकर पैटर्न टैंकों को रोक दिया। और असल उत्तर पैटर्न टैंक की कब्रगाह कहा जाने लगा। पहली बार दुनिया में पैटर्न टैंकों को इतनी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। उन्होंने ग्रेनेडियर्स के लिए पहला परमवीर चक्र हासिल किया। 1971 की लड़ाई में मेजर होशियार सिंह ने शकरगढ़ की लड़ाई में दूसरा परमवीर चक्र हासिल किया। यहां पाकिस्तानियों की जरपाल में मोर्चाबंदी पर ग्रेनेडियर्स ने 15 दिसंबर 1971 को कब्जा किया। अगले 2 दिनों तक पाकिस्तानियों ने लगातार हमले किए, लेकिन जरपाल को ग्रेनेडियर्स के कब्जे से नहीं छुड़ा पाए। 1999 में कारगिल में ग्रेनेडियर्स ने एक बार फिर अपना लोहा साबित किया और तीसरा परमवीर चक्र हासिल किया। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल पर मोर्चा जमाए पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये लड़ाई 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर लड़ी गई। ये लड़ाई कितनी खास थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 पाकिस्तानी सैनिकों कैप्टन कर्नेल शेर खान और हवलदार लालक जान को टाइगर हिल की लड़ाई के लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च सैनिक सम्मान निशाने हैदर दिया गया। करगिल युद्ध के बाद जब अवार्ड डिक्लेरेशन हो गया था, हॉस्पिटल में था मैं, तो जनवरी 2000 में मुझे रेजिमेंट ने बुलाया, सेंटर में गया, तो एक जैसे बेटे का स्वागत माँ बाप करते हैं, तो उस रेजिमेंट ने मुझे एक बेटे की तरह वहाँ पर सम्मान दिया, शौर्य दिया, और मैं आशीर्वाद दिया। मैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि ये वो रेजिमेंट है जिसमें वीर योद्धा हैं, जीवित भी हैं, और जिन्होंने बलिदान इस राष्ट्र के लिए और सेना के लिए दिया है, वो भी इस रेजिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा। लेकिन ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की ये कहानी केवल 250 साल पुरानी नहीं है, ये उससे बहुत पीछे यानी 8वीं शताब्दी तक जाती है। मेवाड़ की सेना और राणा प्रताप की वीरता पूरे देश में लोक गाथा के तौर पर गाई जाती है। इसलिए जब ग्रेनेडियर्स अपने महान युद्धों को याद करते हैं, तो उनमें राणा प्रताप और मुगल फौजों की घमासान लड़ाई भी शामिल होती है, जिसे हल्दी घाटी की लड़ाई कहते हैं। राजस्थान के मेवाड़ राजवंश की स्थापना गोहिला वंश के बप्पा रावल ने की थी और 734 ईस्वी में चित्तौड़ को राजधानी बनाया। तब के बाद से मेवाड़ की सेना ने सदियों तक हर आक्रमण का लोहा लिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने के घेरे के बाद चित्तौड़ को जीत लिया, लेकिन मेवाड़ की सेना ने जल्द ही इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप मुगल फौजों से हारे, लेकिन उन्होंने दोबारा मेवाड़ के इलाकों को जीता। 4 दशक बाद मुगलों को
मेवाड़ से संधि करनी पड़ी। 1949 में मेवाड़ का भारत में विलय हो गया और मेवाड़ की सेना राजपूताना राइफल्स में शामिल हो गई। 1954 में इसे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 9वीं बटालियन बना दिया गया, लेकिन आज भी इसके नाम के आगे मेवाड़ लगा होता है। ये बटालियन आज भी हर साल 26 अगस्त को बलिदान दिवस मनाती है, जिस दिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले में प्रवेश किया था और अमीर खुसरो के मुताबिक 30,000 मेवाड़ियों का कत्लेआम किया गया था। मेवाड़ फोर्सेस में स्वेर बाय महाराणा, मतलब हम प्राइड फील करते हैं जब हम स्वेर बाय महाराणा बोलते हैं, सो वी स्वेर बाय महाराणा। एंड देयर इज नो डाउट, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं इतने पुराने हैं कि आप जिस भी जगह हमारे को भेजें बैटल्स में, हम लोग कश्मीर में थे 95-96 वाला टाइम था, और उस दौरान में 98 मिलिटेंट्स हम लोगों ने मारे हैं, और हम असम में थे 54 मिलिटेंट्स हमने वहाँ मारे हैं। ये सारा जो शिवलरी है, ब्रेवरी है, इसका श्रेय जो पूरा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे जाता है कि हम एक बहुत ही रिच ट्रेडिशंस में और अपने आप को वेलर और सेक्रीफाइस वाली एक यूनिट से आते हैं। इतना शानदार इतिहास अपने साथ बहुत भारी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। ग्रेनेडियर्स मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होते हैं कि सबसे मुश्किल काम उन्हें ही दिए जाएंगे। और इसके लिए वो हमेशा तैयारी भी करते हैं। किसी जवान की ट्रेनिंग 34 हफ्ते की होती है। 19 हफ्ते की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में रिक्रूट को हथियारों से पहचान के साथ साथ सेना के बेसिक तरीके सिखाए जाते हैं। पंद्रह हफ्ते की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में रिक्रूट लड़ाई के हुनर की बारीकियां सीखता है। यह ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर में खाकी वर्दी पहने रिक्रूट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ रिक्रूट को उस परिस्थिति की ट्रेनिंग दी जा रही है जिसका सकता है। इसे पहले दुश्मन के फायर से बचने के लिए ट्रेंच यानी खाई से गुजरना है। कंटीले रास्तों पर कोहनियों के सहारे खुद को और हथियार को आगे बढ़ाना है। लंबे तकलीफ देह रास्ते को पार कर पानी से भरी खाई को पार करना है। और इसके बाद बाहर निकलकर दुश्मन पर आमने सामने का हमला करना है। ये देखने में शायद आपको आसान लगे, लेकिन इसे कर पाना शरीर और मन को बहुत ज्यादा अनुशासित करने के बाद ही मुमकिन है। एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट सेना की वर्दी यानी जैतूनी हरे रंग की वर्दी पहनता है। यहाँ एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में एक सेक्शन यानी 10 सैनिकों की एक टुकड़ी मैदाने जंग का चेहरा पहली बार देख रही है। इस ट्रेनिंग में मैदान में लड़ी जाने वाली लड़ाई की हर चीज है। ऊबड़ खाबड़ जमीन है, दुश्मन से बचने के लिए बनाई गई खाइयां हैं, बारूद का धुआं है और दुश्मन की फायरिंग है। लड़ाई के दौरान अक्सर कार्रवाइयां सेक्शन स्तर पर की जाती हैं, इसलिए शुरुआत से ही सेक्शन के साथ लड़ाई में शामिल होना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान समय समय पर उनके जिसके पास होने पर ही उसको अगले स्टेज पर ले जाया जाता है। बेसिक मिलिट्री के बाद में एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग जो आती है वो 14 हफ्ते की होती है। उस 15 हफ्ते की मिलिट्री ट्रेनिंग में, एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में, उस मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जो है उसको नेक्स्ट दर्जे का प्रशिक्षण दिया जाता है।
ये शारीरिक क्षमता आती है लगातार ट्रेनिंग से, जिसकी शुरुआत दिन निकलने के साथ होती है। रिक्रूट का कोर्स वैज्ञानिक ढंग से डिजाइन किया गया है। जिसे धीरे धीरे कठिन बनाया जाता है, रेजिमेंट के युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली पर खरा उतर सके। अलग अलग कसरतें धीरे धीरे शरीर को मजबूत बनाती हैं। 18 से 19 साल के लड़के को केवल 9 महीने में तपाकर एक शानदार सैनिक बनाया जाता है। उस्तादों और रिक्रूट की खून पसीने की मेहनत जब निखरती है तो इस तरह की शानदार परेड की शक्ल में सामने आती है। ग्रेनेड में उनकी पहचान ग्रेनेड यानी हथगोला क्रेस्ट की शक्ल में सामने आता है। इस क्रेस्ट की भी एक कहानी है। ड्रेस के ऊपर ग्रेनेड को पहना जाता है, जिस ग्रेनेड के अंदर 17 फ्लेम प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। ग्रेनेड के ऊपर आपको घोड़ा दिखाई देगा, जिस घोड़े का मुख दाहिनी तरफ होता है, जिस घोड़े को हमें सन 1788 में प्रदान किया गया था। ग्रेनेडियर्स एक मिक्स्ड रेजिमेंट है, यानी इसमें भारत के हर हिस्से के और हर धर्म के सैनिक भर्ती होते हैं। अब आपको इस रेजिमेंट की एक खास परेड पर लेकर चलते हैं। ऐसी परेड आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। ये रेजिमेंट का मंदिर है, जहां सुबह पूजा के लिए सारे हिंदू सैनिक एकत्र हुए हैं। इस पूजा में शामिल होना हर जीसीओ और अफसर के लिए जरूरी है। चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, उसमें अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने धर्म स्थान पर जाएगा, बशर्ते जो हमारे सरदार साहिबान हैं, अधिकारीगण हैं, उनके लिए कोई बांड नहीं है। अब सारे जीसीओ और अफसरों को यहाँ से मस्जिद में जाना है। जहाँ मुस्लिम ट्रूप्स की इबादत में शामिल होना है। आज के प्रोग्राम में अपने रेजिमेंट के लिए, अपने वतन के लिए, अपने परिवारजनों के लिए दुआए खैर, ताकि मेरे रेजिमेंट के लोग, ताकि मेरे मुल्क के लोग, मेरे समाज के लोग खैर वाफियत से रहें, यही मेरी दुआ का मकसद है। ये है भारतीय सेना और उसका धर्म, जहां से अब्दुल हमीद भी परमवीर चक्र हासिल करते हैं और योगेंद्र यादव भी। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की शौर्य गाथाएं बहुत हैं और बहादुरी के इनाम भी बहुत ज्यादा। फील्ड चाहे कोई भी हो, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी हो, चाहे वो पूर्ण रूपेण लड़ाई हो, हमें इस अगर हम इतिहास को टटोलें तो ये पाएंगे कि ग्रेनेडियर्स ने हर जगह अपना परचम हमेशा ऊंचा रखा है। जहां तक रिक्रूटों से बातचीत करने का सवाल है, हम जितने भी अवार्ड विनर्स हैं उनको यहां बुलाते हैं, वो रिक्रूट्स को डायरेक्टली संबोधित करते हैं, अपनी वीरता की गाथा सुनाते हैं और रिक्रूट्स इससे मोटिवेट होते हैं। किस प्रकार मोटिवेट होते हैं इसे शब्दों में बयान करना अत्यंत कठिन है। ये तो सिर्फ जब वहां सुनते हैं
और रोंगटे खड़े कर देने वाली वो अपनी गाथा सुनाते हैं, और उसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है रिक्रूट्स के द्वारा, वो इस बात का दर्शक होती है कि वो कितने मोटिवेट हैं। देश की रवे अब तक कुल 947 अफसर, JCO और दूसरे रैंक के जवान वीरगति पा चुके हैं। Powered by कोडिया लॉक्स एंड हार्डवेयर, मजबूती और सुरक्षा चाहिए कोडिया लॉक लगाइए। को पावर्ड बाय शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स .in, DRS ग्रुप 9360014001, प्रायोजक एस वाई एक्सपी कमर्शियल एंड रिटेल स्पेसेस एट यमुना एक्सप्रेसवे। कामासूत्रा लॉन्ग लास्ट कॉन्डम्स स्पेशल क्लाइमैक्स डिले लुब्रिकेंट के साथ। When it takes time, Kama Sutra Long Last Condoms. हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। है पल पल की शक्ति।